भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। समस्त ग्राम वासियों को अम्बेडकर जयंती, रमजान, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सिक्सटी शाह मोहम्मदपुर से प्रधान पद के कर्मठ और युवा संघर्षशील प्रत्याशी विकास महापुरुष रेहान उर्फ महफूज को अपनी कीमती से कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। चुनाव चिन्ह कैमरा पर अपना वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। घटना पर मौजूद लोग बनाते रहे वीडियो। दिल्ली में दिन दहाड़े एक निर्मम हत्या का मामला सामने आया। दरअसल राजधानी के बुद्ध विहार इलाके में एक 26 साल की महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। महिला की महज 8 महीने पहले हुई थी शादी। महिला के पति हरीश पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस का कहना है कि हरीश महिला पर शक करता था। वहां मौजूद लोग मोबाइल से घटना का वीडियो बनाते रहे। डीसीपी रोहिणी के मुताबिक महिला की पहचान नीलू जबकि पति की पहचान हरीश के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से गुजरात के रहने वाले लेकिन पिछले कुछ समय से राजधानी दिल्ली के बुद्ध विहार फेज 1 इलाके में रहते थे। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि पति हरीश अपनी पत्नी पर शक करता था। इसे शक था कि उसकी पत्नी नीलू का किसी और के साथ अवैध संबंध है जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। घटना के कई वीडियो हो रहे वायरल। न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की खास रिपोर्ट।